नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम एवं ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति का लेखा जोखा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही निर्णय करता है कि किसका कब और कितनी देर के लिए कंप्यूटर रिसोर्स पर नियंत्रण होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल, मॉनिटर, सीपीयू आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि वह कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी रखे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक प्रकार के उपयोगी कार्य करता है जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य नीचे दिए जा रहे हैं। फाइल पद्धति। फाइल बनाना, मिटाना तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और फाइल निर्देशिका को व्यवस्थित करना। प्रक्रिया। कार्यक्रमों और आंकड़ों को मेमोरी में बांटना, प्रक्रिया को आरंभ करके समुचित रूप से चलाना। इनपुट आउटपुट। सीपीयू और मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क आदि के बीच मध्यस्थता करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। वैसे तो विभिन्न कालों में विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों का निर्माण हुआ, पर प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की सूची नीचे दी जा रही है। लिंक्स। मैक एस, एम एस डॉस, आईबीएम ओएस 2, यूनिक्स, विंडोज सीई, विंडोज 3.x, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 98 SE, विंडोज ME, विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। पहला, मेमोरी प्रबंधन। प्रोग्राम एवं आंकड़ों को क्रियान्वित करने से पहले मेमोरी में डालना पड़ता है। अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी में रहने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह निश्चित करता है कि प्रयोग हो रही मेमोरी अधिलेखित ना हो। प्रोग्राम समाप्त होने पर प्रयोग होने वाली मेमोरी मुक्त हो जाती है। दूसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग। एक ही समय पर दो से अधिक प्रक्रियाओं का एक से दूसरे पर प्रचालन होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। विशेष तकनीक के आधार पर CPU के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इन प्रोग्राम में से किस प्रोग्राम को चलाना है। एक ही समय में CPU किसी प्रोग्राम को चलाता है। तीसरा, मल्टी प्रोसेसिंग। एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक CPU रहते हैं।
इस तकनीक को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीन कार्यों के मध्य समन्वय रहता है। चौथा, मल्टीटास्किंग। मेमोरी में रखे एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण मल्टीटास्किंग कहलाता है। किसी प्रोग्राम से नियंत्रण हटाने से पहले उसकी पूर्व दशा सुरक्षित कर ली जाती है। जब नियंत्रण इस प्रोग्राम पर आता है, प्रोग्राम अपनी पूर्व अवस्था में रहता है। मल्टीटास्किंग में यूजर को ऐसा प्रतीत होता है कि सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। पांचवा, मल्टी थ्रेडिंग। यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाता है। उदाहरण के लिए, एक स्प्रेडशीट लंबी गणना उस समय कर लेता है जिस समय यूजर आंकड़े डालता है। छठवा, रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा रहा होता है। इस प्रकार के प्रयोग का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है और इस परिणाम को अपनी गणना में तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित की जाने वाली प्रक्रिया को बदला जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा कंप्यूटर का कार्य लगातार आंकड़े ग्रहण करना, उनकी गणना करना, मेमोरी में उन्हें व्यवस्थित करना तथा गणना के परिणाम के आधार पर निर्देश देना है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।